कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल ड्रीम जॉब मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने नाम नहीं दिया है, नाम इसलिए मेंशन नहीं कर सकती हूँ, कहीं पर भी नाम नहीं है इसलिए नाम नहीं डाल सकती। इन्होंने लिखा है, मैंने अपनी ड्रीम जॉब फाइनली मैनिफेस्ट कर ली और उसकी सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ में शेयर कर रही हूं। तो ये दो मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी है। एक तो ये कि आप मेरी सक्सेस स्टोरी पढ़ो, ये भी मेरा मैनिफेस्टेशन था, और दूसरा कि मेरी ड्रीम जॉब वाली ही सक्सेस स्टोरी पढ़ो। ओ वाओ पढ़ो। तो मैंने फाइनली अपनी ड्रीम जॉब स्क्रिप्टिंग टेक्निक से ही पाई है। मैंने स्क्रिप्टिंग की थी और मैंने सिर्फ 3 महीने तक ही स्क्रिप्टिंग की थी। 3 महीने के बाद में अचानक ही मेरी स्क्रिप्टिंग छूट गई, क्योंकि जॉब की प्रिपरेशन भी शुरू हो गई थी और उसी बीच में मेरी एंगेजमेंट भी थी। तो दोनों चीजों की वजह से भी मैं चीजों को छोड़ चुकी थी, और एंगेजमेंट की वजह से जॉब के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जा पा रहा था, और एग्जाम भी मैं ऑलरेडी दे ही चुकी थी। लेकिन जो मैंने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा था एज इट इज ही, वो अब मेरा मैनिफेस्ट हुआ था। मुझे मेरी फेवरेट जॉब, फेवरेट कंपनी में आराम से एग्जाम देने के बाद में, और इस बीच में मेरी एंगेजमेंट के भी बाद में, मतलब कि मुझे पूरा टाइम मिला अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन का भी, अपने एंगेजमेंट के टाइम का भी, अपने रिलेशनशिप को टाइम देने का भी, और उस जॉब के लिए एग्जाम देने का भी, और वहां से उसको मैनिफेस्ट करके पाने का भी। तो वो डिवाइन टाइम ही रहा कि अपने आप ही ये सारी चीजें मैनेज होती चली गईं, अपने आप ही मेरा लेट गो भी हो गया और अपने आप ही मेरे हाथ में जॉब भी आ गई। ऐसा नहीं है कि दी मैंने एक्शंस नहीं लिए थे, मैंने बहुत एक्शंस लिए हैं। इसके पहले भी मैं 2 बार फेल हो चुकी थी और ये मैंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन इसी बार मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाया था और पहली बार ही मेरा लेट गो भी हुआ था। इसके पहले तो वही हमेशा डेस्परेट होना, नेगेटिव होना चलता रहता था। फाइनली मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है, और दोनों मैनिफेस्टेशन आज मैं अपनी आंखों से आपको पढ़ते हुए और मेरे ड्रीम जॉब की सक्सेस स्टोरी सुनाते हुए देखूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके मैनिफेस्टेशन की तो क्या ही बात करें। वाह, एक तो ये मैनिफेस्टेशन था कि मैं सक्सेस स्टोरी पढ़ रही हूँ इनकी, और दूसरा ये था कि इनकी ड्रीम जॉब की सक्सेस स्टोरी पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरी बहन नाम नहीं था इसमें। ठीक है, अगर आप नाम देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगी। और अगर आप नहीं देना चाहें फिर भी, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपकी ही चॉइस है। तो इसमें लेट गो है, स्क्रिप्टिंग है। स्क्रिप्टिंग टेक्निक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर ही चुकी हूँ कि आपको कैसे स्क्रिप्टिंग करनी होती है, कैसे पॉजिटिव होकर के करनी होती है। इन्होंने 3 महीने की है, मतलब काफी ज्यादा डिटेलिंग की होगी, काफी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें भी लिखी होंगी। और उसके बाद मैं उस चीज को छोड़ दिया या छूट गई अपने आप ही। उस बीच में एक रिलेशनशिप को भी प्रॉपर टाइम मिल गया, एग्जाम देने के बाद में एक गैप आ गया था, तो एंगेजमेंट के टाइम के ऊपर ये बिजी हो गए, तो अपने आप ही लेट गो हो गया और आराम से अपने आप ही रिसीव भी हो गया। सो कंग्रेचुलेशंस माय डियर, कि आपने अपने ड्रीम जॉब, फेवरेट कंपनी में फेवरेट वाली जॉब, आपने जैसे लिखा है वैसे ही मैं बता रही हूँ, पाली है। हम आपके लिए बहुत 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 खुश हैं। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।